प्रणाम करतानी भोजपुरी देखे वाला सब दर्शक लोग के आज चुकल बानी हम ममता तिवारी राउर पसंदीदा प्रोग्राम ओ वुमनिया के लेके हर बार के लेखा ए बार भी ले आई बनी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री या स्टार लोग से जुड़ल हर तमाम खबर के लेके जो जनला के बाद रोवा सबके होगी बहुत खुशी। आप प्रोग्राम के अंत में हम बताई ले कुछ दर्शक लोग के मैसेज हर कोई अपन अपन फेवरेट स्टार खातिर भेजला। तो प्रोग्राम के अंत में हम मैसेज बताएं लेकिन उससे पहले जान लेवे के पहला खबर जो जुड़ल बा बॉर्डर फिल्म से। बॉर्डर फिल्म के तीसरा सप्ताह चल रहा बा। तीसरा सप्ताह में भी ए फिल्म के जबरदस्त दर्शक लोग से रिस्पांस मिल रहा बा। आनंद मंदिर में ए फिल्म के शो अबहीं तक हाउसफुल बटे आ अबहीं तक लोग भारी संख्या में ए फिल्म के देखे जाता। आ जितना फिल्म बॉर्डर के सिनेमाघर में प्यार मिलल ओही घरे ओही तरह से ए फिल्म के सब गाना के ऑडियो सॉन्ग में भी यूट्यूब पर बहुत प्यार मिल रहा बा। हर गाना के बहुत अच्छा अच्छा खास खास व्यूज बटे। तो हम लेके आई बनी यही फिल्म का गाना से जुड़ा लेगो खास खबर है वो सब खातिर देखें। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर तो हमें संपर्क करें। भोजपुरी की ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई निरहुआ स्टारर फिल्म बॉर्डर को लोग जगह जगह सिनेमाघरों में अच्छा और खासा प्यार रिस्पांस तो दे ही रहे हैं। साथ ही निरहुआ की इन फिल्मों के गाने भी यूट्यूब पर लोग खूब पसंद कर रहे हैं। फिल्म रिलीज होने के बाद से ही निरहुआ की फिल्म बॉर्डर के गानों को उन्हीं के ऑफिशियल चैनल निरहुआ म्यूजिक वर्ल्ड से रिलीज किया गया जिसे खूब सारे लोगों ने सुना। जानकारी के लिए बता दें कि इस फिल्म के कुल 8 गाने रिलीज हुए जिनमें सबसे पहला गाना था हमार भैया वतन के सिपाही जिसे 4,00,000 लोगों ने देखा। उसके बाद दीवानी भैली नगमा निरहुआ के प्यार में इसे 1.5 मिलियन लोगों ने देखा है। बेटवा तोहार गोर होई 8,00,000 लोग देख चुके हैं। मिलके सजनवा से 5,00,000 लोग देख चुके हैं और आखिरी गाना मौला तेरे शहर को 2,00,000 से ज्यादा लोग सुन चुके हैं। ये आखिरी गाना था। वेल, अगर देखा जाए तो इन सारे गानों में से सबसे लोकप्रिय खेसारी की आवाज में गाया हुआ गाना दीवानी भैली नगमा निरहुआ के प्यार में अच्छे व्यू से आगे बढ़ा है जिसे देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि इस फिल्म की सारे गानों में से ये गाना अच्छे व्यूज पा चुका है जो लोगों को पसंद आ रहा है। बॉर्डर फिल्म के सब गाना के बहुत कम समय में अच्छा अच्छा व्यूज मिल गल बा जेकरा के देखला के बाद ये कहल गलत ना हो कि ये फिल्म के एक एक सीन एक एक गाना दर्शक लोग के बहुत पसंद आए। तो निरहुआ जी के हमनियों के तरफ से बहुत बहुत शुभकामना बटे इस सफलता खातिर। बढ़े के आगे जान लेवे के अगला खबर जे खेसारी लाल यादव और अक्षरा से जुड़ल बटे। खेसारी अक्षरा ऐसन दोनों स्टार बा लोग जे एक साथे काम कैला के बाद ऐसन लोकप्रियता बटोरलक लोग कि जब तक अलग हो गई ओकरा बाद भी दोनों के मिलन के खबर रउआ सबके देखे के मिलत होगी। आ अब ये मिलन साचो में होके जा रहा बा काहे कि दोनों लोग एक दूसरा के बहुत इग्नोर कर ले बा लोग लेकिन अब किस्मत कनेक्शन जुड़ गई बा। योगेश राज मिश्रा के फिल्म बबुआ बवाली में ये जोड़ी रउआ सबके देखे के मिली। काजल राघवानी से हमेशा योगेश राज मिश्रा खेसारी के अलग करवा देते रहे लेकिन नया नया हीरोइन लोग का साथ है खेसारी के जोड़ी बनावता रहे वो दर्शक लोग के बहुत पसंद आवता। एक अरे उदाहरण दबंग सरकार बटे जब रिलीज हुई तो पता चल जाए कि आकांक्षा का साथ है खेसारी के जोड़ी कैसन लागल लेकिन फिलहाल अक्षरा का साथ है खेसारी के देखे के दिलचस्पी दर्शक लोग में ज्यादा बटे। तो हम यही दोनों जोड़ी से जुड़े लेगो खास खबर ले बनी देखी। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर तो हमें संपर्क करें। एक समय पर भोजपुरी सिनेमा की सबसे लोकप्रिय जोड़ी रह चुकी अक्षरा और खेसारी एक बार फिर से सालों बाद सिल्वर स्क्रीन पर वापसी करने जा रहे हैं अपनी फिल्म बबुआ बवाली के जरिए जिसकी शूटिंग जल्द ही शुरू होने वाली है। इन फिल्म के स्टारों से जुड़ी हाल ही में जानकारी मिली है कि जिस शादी फंक्शन में इंडस्ट्री के और भी सितारे बीते दिन पहले मौजूद हुए थे उस शादी में खेसारी और अक्षरा दोनों आए थे लेकिन दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की। इससे पहले भी कई बार दोनों एक दूसरे को इग्नोर करते नजर आए हैं लेकिन अब दोनों एक ही फिल्म में लीड रोल में नजर आने वाले हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होने वाला है कि दर्शकों को ये जोड़ी कितनी पसंद आ पाती है। फिलहाल इस फिल्म को करने के लिए खेसारी लाल और अक्षरा की तरफ से हाँ या ना का कोई बयान नहीं मिला है लेकिन बबुआ बवाली के फिल्म निर्माताओं ने पुख्ता तौर पर पुष्टि कर दी है कि वो अब इस फिल्म में अक्षरा सिंह को खेसारी के साथ लेना चाहते हैं। कुछ दिन पहले
निशा दुबे के एगो तस्वीर वायरल भल रहे राकेश मिश्रा का साथे, जेकरा के देखला के बाद दर्शक लोग कमेंट कैले रहलक हलु कि ड्रेस अच्छा नहीं खे लागत, निशा दुबे अच्छी नहीं खे लागत, अच्छा सीन ना देवेली, अच्छा सीन ना करेली। लेकिन हाले में एक औरो इनकर बोल्डनेस से भरल तस्वीर वायरल भइल बटे, जे फिल्म के वायरस के ह। आ वायरस फिल्म रउआ सबके देखे के मिली साउथ में भी, यानी तेलुगु में भी रउआ सबके देखे के मिलल मिले के बाद, काहे कि दो भाषा में डेब्यू करके फिल्म के बनावल जा रहल बा, जेकर शूटिंग शुरू हो चुकल बा। हाले में निशा दुबे के एक गाना के शूटिंग भइल, जहाँ से एक तस्वीर वायरल भइल बटे। गोल्डन कलर के शॉर्ट ड्रेस में बहुत हॉट आ बोल्ड लागत रही निशा दुबे। तो हम इनका लुक से जुड़ल एगो खास खबर ले आई बनी, देखी। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। भोजपुरी फिल्मों की बोल्ड हीरोइन और फीमेल सिंगर निशा दुबे इन दिनों अपनी कई सारी फिल्मों की शूटिंग में लगातार व्यस्त हैं। एक के बाद एक आपको निशा की कई सारी फिल्में आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलने वाली हैं, जिसके लिए खुद निशा भी बहुत एक्साइटेड हैं। वेल, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि निशा दुबे इन दिनों अपनी फिल्म वायरस की शूटिंग कर रही हैं, जिसका एक गाना हाल ही में शूट किया गया है, जिसकी एक तस्वीर देखने को मिली और इस तस्वीर में निशा काफ़ी ज़्यादा बोल्ड अवतार में नजर आई। वेल, अगर हम इंडस्ट्री की सबसे व्यस्तम अभिनेत्रियों में निशा को गिने तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि जहां एक तरफ निशा अपनी दो फिल्मों की शूटिंग कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अपने बोल्बम गीत की रिकॉर्डिंग भी निशा लगातार कर रही हैं। इसके साथ ही बीते दिन पहले निशा ने एक धमाकेदार स्टेज शो भी वाराणसी में दिया है। आप सब लोग जानते होंगे कि निशा दुबे रांची झारखंड की हैं, वाराणसी की हैं, बनारस की हैं, और इसलिए उन्हें उनका स्टेज शो बनारस में खूब लोकप्रिय है। अक्सर उन्हें बनारस में स्टेज शो करते हुए देखा जाता है। बढ़े के आगे जान लेवे के अगला खबर, जो काजल आम्रपाली से जुड़ल बा, निरहुआ का साथ है एक फिल्म में ये दोनों जोड़ी लोग नजर आ चुकल बा। लेकिन हाल ही में दोनों लोग पर सोशल मीडिया पर छिड़ गईल बा एगो संग्राम। आ उ संग्राम ये दोनों लोग अपन अपन प्रमोशनल सॉन्ग का जरिए ले बटे, काहे कि हाल ही में आम्रपाली के एगो प्रमोशनल सॉन्ग रिलीज भइल रहे, ओकरा बाद काजल राघवानी के सॉन्ग रिलीज हो भइल, लेकिन फिर भी व्यूज का मामला में दोनों लोग में तकरार जारी बटे। तो हम दोनों लोग के गाना से जुड़ल एगो खास जानकारी ले आई बनी निरहुआ सब खातिर, देख। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। भोजपुरी फिल्मों की लकी गर्ल और यूट्यूब क्वीन कहा जाता है आम्रपाली दुबे को, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उनका डांस और इंटरव्यू हमेशा बड़े हिट साबित होते हैं सोशल मीडिया पर, इसलिए आम्रपाली को ही फिल्मों में ज़्यादातर प्रमोशनल सॉन्ग के लिए लिया जाने लगा। लेकिन हमेशा किस्मत और लक एक जैसी नहीं रहती, इसलिए आम्रपाली को आजकल काजल यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा टक्कर देने लगे हैं, क्योंकि आम्रपाली का हाल ही में एक प्रमोशनल सॉन्ग रिलीज हुआ था फिल्म लव के लिए कुछ भी करेगा का, जिसके बोल थे आम्रपाली तोहरे खातिर। और इसके गाने के रिलीज होने के बाद काजल राघवानी का फिल्म दबंग सरकार का एक प्रमोशनल सॉन्ग रिलीज हुआ, जिसे अभी तक 7 मिलियन लोग सुन और देख चुके हैं। इस गाने को रिलीज हुए सिर्फ एक सप्ताह ही बीता होगा, तो वहीं आम्रपाली का गाना रिलीज हुए महीने भर से ज्यादा हो गया है, तब भी इसे सिर्फ 7 मिलियन लोग ही देख पाए हैं, यानी टक्कर बराबर पर आ चुकी है। लेकिन आगे चलकर देखना दिलचस्प होने वाला है कि किस गाने को व्यूज के मामले में जीत हासिल होती है। यही रहे आज के कुछ ताज़ा खबर, चले के समय हो चुकल बा, अगला प्रोग्राम में फिर से होके मुलाकात ऐसा ने ताज़ा तरीन खबर और मैसेजेस का साथ है। लेकिन मैसेज तो बतावल भूलिए कोई नहीं, मैसेज भेजले बड़ी रानी जो लिखा था रही कि मैं अक्षरा सिंह की बहुत बड़ी फैन हूँ और खेसारी के साथ वो वापसी कर रही हैं, इस बात की मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है, जल्दी से ये फिल्म रिलीज़ कीजिए योगेश जी। तो अगर सुन रहा बड़े योगेश जी, तो जल्दी से एक दो फोटो शेयर कर दी शूटिंग के दौरान के। तो ये रहे आज के कुछ नया मैसेज, रानी के मैसेज करे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज खातिर फिलहाल इतना ही, अगले प्रोग्राम में फिर से होगी मुलाकात ऐसा ने ताज़ा खबर और नया नया मैसेजेस का साथ। लेकिन तब तक खातिर दी ही इजाजत, प्रणाम। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।